हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग भाई हमारा शुरू होता है क्या ही मस्त एंड ब्यूटीफुल व्यू के साथ। तो अभी गाइस हम हैं हमारे खेत पे। जो मैंने अगला व्लॉग दिखाया था उसमें मैंने पूरा हमारा खेत दिखाया था। तो कुछ मॉर्निंग का व्यू ऐसा है, आप देख सकते हो बहुत ही मस्त। यहाँ पे सूरज दादा भाई निकले हुए हैं। अभी मैं रूम के बारे में दिखा रहा था ना, ये एक छोटा सा रूम है, ये गोदाम टाइप का, इसमें देखो सब भरा हुआ है। ये रूम यहाँ पे लाइन में तीन रूम यहाँ पे। पानी का पर्व है यहाँ पे बेल को और पानी पीने के लिए। एंड अभी गाइज मैं और मम्मी सुबह अभी जामनगर निकलने वाले हैं। और भाई चिड़िया आसपास बोल रही है। और सुबह का ये जो व्यू है ना, ये सिटी में देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे ही देखने को मिलता है। अभी पीछे की साइड देख सकते हो, मस्त व्यू है भाई। ये चारा है बेल का और यहाँ पे थोड़ा सा, फिर यहाँ से गेहूँ शुरू होते हैं जो अभी बड़े नहीं हुए हैं। एंड यहाँ पे सब्जी है खाने के लिए, टमाटर अभी कच्चे हैं एंड ये पक जाएंगे फिर। देखो थोड़े पके हुए। और ये पास में ही बैगन है। फिर आगे मैंने आपको दिखाया था वहाँ से जीरू है, फिर उससे आगे काबुली चने हैं, फिर वहाँ पे लास्ट में है वो देसी चने। अगला सीज़न था वहाँ पे, हमने कपास और सब बोया था, सोयाबीन जिसको बोलते हैं। और मैं अभी आपको यहाँ पे गोदाम है यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओ भाई पूरा भर दिया है भाई पूरा गोदाम में, और इसमें भी है। इसकी प्राइस अभी चल रही है 1800-1900 के आसपास। तो अभी ये रखा हुआ है क्योंकि इसकी प्राइस मुझे लगता है कि बढ़ जाएगी, तो जब 2000 के आसपास चली जाएगी ना तब ये बेच देंगे। और हम लेके आए हुए थे भाई बाइक ब्लैक मांबा, क्योंकि भाई अभी फोर व्हील नहीं है हमारे पास, फोर व्हील अभी अफोर्ड नहीं, अफो पैसे नहीं है ना। और अभी फ़िलहाल बाइक मेरे पास होने रह रहा, उसमें मम्मी पीछे बैठ नहीं पाती सही से, तो मैं वो नहीं लाया। क्योंकि भाई मैंने फिर SD भैया को कॉल किया कि भाई बाइक अपनी दे जाओ और मेरी ले जाओ, तुम्हें कहीं पर जाना हो तो उसने ये बाइक दी। और हम आए धीरे धीरे आराम से। अभी सुबह थोड़ी ठंडी कम हो चुकी है, सूरज दादा निकल चुके हैं, तो मैंने सोचा मम्मी को कि चलो अब चलते हैं, थोड़े दिन बाद फिर से वापस आएंगे, फिर हम व्लॉग कंटिन्यू ही रखेंगे। बाकी तो भाई आज बहुत मज़ा आया क्योंकि इतने टाइम से मैं सिटी में रह रहा था और गाँव में आके सुबह उठ के भाई चाय पिया और सभी, ये कुछ बात ही अलग होती है। और ये जो व्यू है ना, ये सिटी में देखने को नहीं मिलता है। अभी जामनगर जाना है गाइज, यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास है, 40-50 किलोमीटर। तो धीरे धीरे आराम से बाइक चलाएंगे, डेढ़ दो घंटे लगेगा वहाँ तक पहुँचने में क्योंकि ठंड भी है थोड़ी थोड़ी, तो हम बाइक धीरे चलाएंगे एंड आराम से जाएंगे। तो अभी लोग हम सीधा जामनगर में ही शूट करेंगे, तो लेट्स गो चलते हैं। अभी गाइज हम पहुँचे हुए हैं सपड़ा सिद्धिविनायक मंदिर, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं अभी यहाँ पे जाके हमने दर्शन कर लिए, मम्मी यहाँ पे कभी भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना मम्मी को ले चलते हैं। रास्ते में ही बीच में ही आता है, जब हम जामनगर से कालावर और जूनागढ़ का रास्ता लेता हूँ ना तो बीच में आता है। तो यहाँ पे दर्शन अभी हो चुका है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने एक प्राइवेट व्लॉग बनाया हुआ है सपड़ा का, जो आपने नहीं देखा तो चैनल में विजिट कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। ये है गणपति बापा की बहुत बड़ी मूर्ति, आप देख सकते हो गुजराती में बोले तो। और पास में यहाँ पे इतने सारे फार्म हाउस जैसे हैं बंगलोस, जो कि किसी ने बनाए हुए हैं। और मम्मी जी को पहली बार हम यहाँ पे लाए तो मम्मी ने देखा नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर तो कब आएंगे। यहाँ से जाते हैं, ये जो खेत हमने वो लिया है ना वो यहाँ से ही निकलते हैं रास्ते में से ही, तो मैंने सोचा सुबह का टाइम है एंड दिखा देते हैं व्यू तो यहाँ पे भी मस्त। गाइस फाइनली खेत से, तो भाई हम कब से आ चुके हैं, लेकिन फिर हम मुझे थोड़ी नींद आ रही थी सो गया, एंड फिर उठ के अभी थोड़ा नाश्ता किया एंड फिर नहा धो के फ्रेश हो गए। ओके गाइस, तो सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति और
कल शाम तो भाई हम व्लॉग शूट ही नहीं कर पाए, जब मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया फिर बाद में हम रात को बाहर चले गए तो व्लॉग शूट नहीं कर पाए। और आज है मकर संक्रांति तो सभी भाई फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं, अंकित भाई एंड यहाँ पे भाविक भाई भी है, जयेश भाई है, एसडी भाई यहाँ पे। भाई क्या कर रहे हो? फिरकी ले रहे हैं फिरकी ले रहे हैं। और ये छोटा सा बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? देव। ओके तो भाई ये कब से जीत कर रहा था कि भाई पतंग जगह उड़ाना है उड़ाना है, तो सभी यहाँ पे आ चुके हैं एंड चारों तरफ भाई पपूड़े ही बजा रहे हैं सब। देखो प्लेन्स जा रहे हैं, पपूड़े ही बज रहे हैं चारों तरफ। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और सभी आ चुके हैं अपने अपनी छत पे भाई पतंग जगाने के लिए। आप देख सकते हो वहाँ पे सामने भी, लेकिन अभी पतंग इतनी ज़्यादा नहीं उड़ रही है, पता नहीं ऊपर सब लोग बैठने के लिए आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अभी हमारा काम चालू है पतंग का, तो हो जाए फिर भाई के ऊपर जाएंगे उड़ाएंगे, देखते हैं क्या होता है। भाई भैया चढ़ा रहे हैं ऊपर पतंग, लेकिन जा नहीं रही है भाई, हवा तो बहुत है फिर भी नहीं जा रही है। भैया तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो भाई, रेडी हो जा, चल 3 2 1। भाई किसी की गर्दन मत काट देना। भाविक भैया मजा आ रहा है ना? मजा तो बहुत मजा आ रहा है, दिख रहा है इसमें मोबाइल में तो दिख रहा है सब कुछ भाई। दादा सूरज दादा कुछ ज्यादा ही भाई चमक रहे हैं आज भाई, वो व्हाइट पतंग के साथ फाइट हो रही है अभी, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा है, ये वो व्हाइट वाला, देखते हैं भाई आ गया। भाई कट गया कट गया भाई, ऐसी दोरी नहीं चाहिए भाई, ऐसी दोरी नहीं चाहिए, ऐसी दोरी भाई, ऐसी फिरकी ले आओ। ए क्या गुंडा बनेगा रे तू? नहीं नहीं इसमें तेरी दिक्कत नहीं है, फिरकी है ना ये थोड़ी। ए जाए भाई, ये इसको बहुत मजा आ रहा है भाई। ये जो पतंग है ना ये अच्छे से भाई ऊपर उड़ ही नहीं रहा है, थोड़े आगे तक उड़ता है फिर नीचे गिर जाता है, तो हम सोच रहे हैं भाई दूसरे नए पतंग लेने के लिए जाए। देव तू नहीं उड़ाएगा? नहीं। क्यों? अरे क्यों नहीं उड़ाएगा? क्या है? बोल कुछ बोल। अरे भाई शर्मा गया भैया, ये देखो दौर भाई अरे पतंग भाई उड़ाना नहीं आता तो क्यों उड़ाता है एसडी भाई? अभी एक एक पतंग को काट डाला, अभी ये दूसरा पता नहीं आ पाएगा या नहीं, अब दूसरा है, अब तो हमारा ओ ये तो ऊपर चला गया भाई, बहुत ही ऊपर जा चुका है अब ऊपर जो कुछ नहीं क्या देखेगा भाई तू भी क्या यार भाई, अभी फिर से यहाँ पे टाइम चला। और मुझे तो भाई मैं तो नहीं उड़ाता, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। अभी हमने ना 5 पतंग मंगाए थे, उसमें से 2 पतंग तो हमारे भाई ऑलरेडी कट चुके हैं। अभी यहाँ पे कितने पतंग बचे हैं? अभी फिर एसडी गया था, वो 5 पतंग शायद लेके आया, अभी इतने पतंग बचे हैं। लेकिन भाई ये दौर है ना, ये दौर भाई खराब हो चुकी है, दौर अच्छे से नहीं काम कर रही है। और भाई दौर कहाँ कहाँ पे पड़ी है भाई, और यहाँ पे पपूड़े तो ऐसे बज रहे भाई, बजा चल बजा 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 बजा। हाँ ये बात भाई, भाई ये तो हर छत पे बज रहे हैं। अभी ना पतंग थोड़े कम हो चुके हैं, फिर भी भाई ठीक है, देखते हैं।
भाई इस बंदे ने ना भाई दूसरे किसी की एक दूसरी फिरकी बना ली, अभी भी आ रही है दौर कहीं से, दूसरे वाले बिल्डिंग के उस तरफ से दौर आ रही है, दूसरे किसी की फिरकी की दौर है। चुराने का ही काम हमारा, काम ही ऐसा है, लूट फाट करने का ही काम है हमारा। भाई कट, भाई ऐसे ही कट गया भाई, किसी ने काट दिया ऐसे ही कट गया, दिखाई नहीं दे रहा सूरज की वजह से, सूरज की वजह से भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो भाई ऐसे ही कट गया भाई, पूरी दौर पेल हो गई। अरे भाई फाइनली गाइस आज की गेम यहाँ पे समाप्त होते हुए हमारे भाई, अरे यहाँ पे गाइस 5 पतंग कट चुके हैं हमारे, 5 पतंग यहाँ पे कट चुके हैं, एंड अभी ऐसा मूड नहीं है कि नया पतंग लाए और नई दौर लाए अच्छी वाली। अब देखो यहाँ पे उत्तरायण हमारी ख़त्म होती है, अंकित भाई, एसडी भाई, भाविक भाई, जयेश भाई एंड छोटू लाल, इसको भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है, इसके पास एक पतंग रखा है वो घर पे ले जाएगा, नहीं नहीं भाई एक ही है वो भी थोड़ा सा, तो भाई इसने तोड़ दिया, बताओ अपने अंकल को बोलना दूसरा नया ला के दे, ठीक है ठीक है। और अभी चलते हैं नीचे घर पे, बाकी जामनगर में तो भाई अभी बहुत उड़ेंगे पतंग, 4:30 बजने वाले हैं एंड शाम के भाई 6 बजे तक, एक तो भाई इस तरफ पतंग, इस तरफ पतंग उड़ रहा है और सूरज भाई एकदम सामने, सूरज एकदम सामने आ रहा है भाई, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके गाइस, तो मैंने कब वीडियो और लास्ट वाला अपलोड किया था, 4:30 बजे हुए थे जब हमने पतंग उड़ाई थी, फिर नीचे आ गया, तब से गाइस लाइट चली गई थी, पता नहीं आज मकर संक्रांति का दिन है इसलिए शायद लाइट बंद कर दी है, पूरे एरिया में यहाँ पे लाइट बंद कर दी थी, अभी फिलहाल लाइट आई है। तो भाई मैंने अभी तक सूट में घर पे बैठा हुआ था पूरा भाई, मतलब क्या ही बताऊँ, अभी मैंने यहाँ पे पीसी भी स्टार्ट किया है क्योंकि अभी थोड़ी देर भाई गेम खेलना है एंड व्लॉग को एडिट भी करना है, तो ये व्लॉग कल सुबह आ जाएगा। एंड कैसा लगा व्लॉग एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि भाई ये व्लॉग है ना मैंने वहाँ पे वाड़ी पे भी, मैंने हमारे खेत पे भी शूट किया था एंड फिर यहाँ पे भी शूट किया, तो व्लॉग मुझे लगता है थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप सभी लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह गाइस प्यार दिखाया रहे, सब्सक्राइब एंड लाइक तो भाई करते ही रहे एंड शेयर भी अपने फ्रेंड के साथ कर दे, ताकि भाई मुझे ज्यादा भाई लिंक नहीं डालनी पड़े। तो यही था आज का, कैसा लगा, आई होप कि सभी को अच्छा ही मजा आया होगा गाइज, एंजॉय किया होगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सभी अपना ख्याल रखना। ओके गाइज तो मिलेंगे, बाय।